हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ। हाउ मीन्स हो गया कैसे या किस प्रकार से, डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, द आथर मतलब जो लेखक है ना वो क्या करता है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है। अब किस चीज़ का वर्णन करता है तो लिखा है एन कॉन्ग ग्रू इटी मतलब अयोग्यता का। किसकी अयोग्यता का तो लिखा है ऑफ मतलब कि एन इंग्लिश पोइट की अयोग्यता का वह वर्णन करता है। अब उसकी कौन से अयोग्यता का वर्णन करता है तो आगे लिखा हुआ है जब वह क्या कर रहा था, एड्रेसिंग कर रहा था मतलब संबोधित कर रहा था। किसको कर रहा था तो लिखा है द ऑडियंस को मतलब दर्शकों को, और कहां के दर्शकों को तो लिखा है एट मतलब के कहां के, जर्मनी स्टूडियो के जो दर्शक थे ना उनको जब वह संबोधित कर रहा था ना, तो संबोधित करते समय वह उनको समझाने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो लेखक उसकी इस अयोग्यता का वर्णन किस प्रकार से करता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जो जेमिनी स्टूडियोज था ना, वाज मतलब था, वो फेमस था, प्रसिद्ध था। काय के लिए, फॉर मतलब के लिए, मेकिंग मतलब बनाने के लिए। अब क्या बनाने के लिए तो लिखा है होमली तमिल फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध था। और किसके लिए बनाता था तो लिखा है फॉर मतलब के लिए, सिंपल पीपल मतलब साधारण से लोगों के लिए बनाता था। क्या लिखा है जो जेमिनी स्टूडियो था ना, बाज मतलब था, क्या था, फेमस था। अब काय के लिए फेमस था तो लिखा है फॉर मेकिंग मतलब बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए तो लिखा है होमली घरेलू, और क्या बनाता था, तमिल फिल्म बनाता था। और किसके लिए बनाता था, फॉर मतलब के लिए, सिंपल पीपल मतलब साधारण से लोगों के लिए बनाता था। और आगे लिखा हुआ है दे मतलब वे लोग, हैड नथिंग मतलब कुछ नहीं, टू डू मतलब करते थे, विद मतलब से, किससे, इंग्लिश पोएट्री का वह कुछ भी नहीं करते थे, या कह सकते हैं उनका इंग्लिश पोएट्री से कोई भी ताल्लुकात या कोई संबंध नहीं था। लिखा है दे हैड नथिंग, वह कुछ नहीं, टू डू मतलब करते थे, किसके साथ, इंग्लिश पोएट्री के साथ वह कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जब इंग्लिश पोएट उनके जर्मनी स्टूडियो में आया था ना, तब वह क्या कर रहा था तो आगे लिखा उसके बारे में, वेन मतलब जब, जो इंग्लिश पोएट था ना क्या कर रहा था, एड्रेसिंग कर रहा था। किसको कर रहा था तो लिखा है टू द तमिल ऑडियंस को कर रहा था, और कहां के, एट द जर्मनी स्टूडियो के, और काय में कर रहा था, इन इंग्लिश में कर रहा था। तो बे मतलब बे लोग, जो जर्मनी स्टूडियो के लोग है ना, कुडंट बी एबल, वह क्या थे, कुडंट मतलब नहीं सके, एबल मतलब योग हो पाए या समर्थ नहीं हो पाए, काय में, अंडरस्टैंड मतलब समझने में, और क्या समझने में, बॉट मतलब क्या, ही मतलब वह, हैड बीन टॉकिंग मतलब कह रहा है, वह किस चीज के बारे में कह रहा है, इसको समझने में वह क्या हो गए थे, असमर्थ हो गए थे। क्या लिखा हुआ है, बेन मतलब जब, जो इंग्लिश पोइट है ना क्या कर रहा था, एड्रेसिंग कर रहा था, किसको कर रहा था, टू मतलब को, तमिल ऑडियंस को कर रहा था, और कहां के, एट जर्मनी स्टूडियो वाले, और काय में कर रहा था, इन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहा था ना। तो बे लोग, दे कुडंट मतलब नहीं सके, एबल मतलब समर्थ नहीं हो पाए, काय में, अंडरस्टैंड मतलब समझने में, योग नहीं हो पाए, और क्या समझने में योग नहीं हो पाए, व्हाट मतलब क्या, ही मतलब वह, हैड बीन टॉकिंग, वह किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इस बात को समझने में वह असमर्थ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसका कारण लिखा है बिकॉज मतलब क्योंकि, द एसेंट मतलब उच्चारण, किसका उच्चारण, ऑफ द पोएट का, जो कवि था ना उसका जो उच्चारण था ना, कुड नॉट बी अंडरस्टूड, उसको समझा नहीं जा सका, किसके द्वारा, बाय एनी वन मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा। क्या लिखा है, द एसेंट मतलब उच्चारण, किसका उच्चारण, ऑफ द पोएट का, कुड नॉट बी मतलब नहीं सके, अंडरस्टूड मतलब होता समझ ना, उसके उच्चारण को नहीं समझ सके, किसके द्वारा नहीं समझा जा सका, बाय मतलब के द्वारा, एनी वन मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अब आगे लिखा है हेंस मतलब इसलिए, जो इंग्लिश पोएट था ना वो कुड नॉट मतलब नहीं सका, और क्रिएट मतलब उत्पन्न करना होता है, तो वह उत्पन्न नहीं कर पाया, क्या उत्पन्न नहीं कर पाया तो लिखा है इंटरेस्ट, और किस में, इन द पीपल में, और कौन से पीपल में, जर्मनी स्टूडियो वाले व्यक्तियों में, इंटरेस्ट को जागृत नहीं कर पाया। क्या लिखा है, जो इंग्लिश पोएट है ना, कुड नॉट क्रिएट, वह उत्पन्न नहीं कर पाया, क्या उत्पन्न नहीं कर पाया, इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न कर पाया, किस में, इन द पीपल में, और कौन से पीपल में, जो जर्मनी स्टूडियो में काम करते थे उनमें इंटरेस्ट जागृत नहीं कर पाया था। सो मतलब इसलिए, इट मतलब यह, बाज मतलब था, स्वाली मतलब निश्चित रूप से कह सकते हैं यह उसका था, क्या था, इन कॉन्ग्रुइटी मतलब अयोग्यता थी उसकी, और किसकी, इंग्लिश पोइट की, और कौन सी अयोग्यता, एड्रेसिंग करने वाली, किसको एड्रेसिंग करने वाली, ऑडियंस को, कहां के, जर्मनी स्टूडियो के।